एक्टर सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब तक सलमान खान की दरियादिली और उनके काम की सराहना सोशल मीडिया पर होती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ट्रोलर्स ने सलमान खान को भी निशाना बनाया है और अपने पोस्ट से ट्रोलर्स ने बताया कि सलमान खान ने कईयों के करियर को बर्बाद किया है और वो बॉलीवुड के सबसे बड़े माफिया हैं। वहीं अब ट्विटर पर हैशटैग बीइंग सलमान बॉट ट्रेंड शुरू हो गया है और इस ट्रेंड के साथ ही सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा माफिया बताया गया है। एक यूजर ने लिखा है, समाज और इंसानियत के लिए एक धब्बा, झूठी मानवता, आतंकवाद समर्थक, बाहरी लोगों के लिए दमनकर्ता जैसे शब्द सलमान खान के लिए है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने सलमान खान की अब तक की करतूतों की लिस्ट बनाई है और बताया गया है, सलमान खान बॉलीवुड के माफिया है जिनका नाम आम एक्ट केस, ब्लैक बक पोचिंग केस, चिंकारा पोचिंग केस, हिट एंड रन केस, लिंक विद अंडरवर्ल्ड, हैरिस ऐश्वर्या राय, थ्रेटन विवेक ओबरॉय, स्लैब डायरेक्टर सुभाष घई, सपोर्टेड टेररिस्ट याकूब मेनन जैसे क्रिमिनल और कंट्रोवर्शियल केस में अब तक शामिल हो चुका है। और एक दूसरे यूजर ने लिखा है, सलमान खान ने हमेशा नेपोटिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट किया है, इसलिए सलमान भारत के असली आतंकवादी है। वेल, सलमान खान के लिए लोगों का नफरत अब बिग बॉस 14 पर भी दिखने वाला है। भाई मैं नया हूँ तो मुझको बताया गया, शौना वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंदे पतली गली पकड़ खान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शौना। शाहरुख खान के मजाकिया अंदाज से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिसे उनके फैंस भी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको किंग खान के कुछ थ्रोबैक वीडियोस को दिखाते हैं जहां मीडिया के साथ मिलकर शाहरुख खान ने जमकर हंसी ठिठोले की। तू क्या बनना चाहेगा अगले जन्म में? क्रोकोडाइल बनेगा तू? तू तो चाहेगा तू ही बनेगा ना जो तू है इस वक्त। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लेडीज, डोंट गिव अप योर जॉब, डोंट गिव अप योर जॉब, डोंट गिव अप योर डे जॉब फॉर अ नाइट हस्बैंड। बच्चे पहले जब काजल घर में थी तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुनते थे, अब अजय उनको सुनाता है आजा माजी सटक ली, थोड़ी सी डोरियां बदल गई अदरवाइज। भाई मैं नया हूँ तो मुझको बताया गया।